Hi guys, it's Ali Naveed. Keep watching Crick Pitch and my latest interview with Ali Naveed. अच्छा शोएब भाई, हम ये दो प्लेयर बोलते हैं, इनमें से जो आपको बेहतर लगता है kindly बताते जाए, मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी। I really liked Amir. मैंने आमिर की वजह से रिटायरमेंट ली थी 2007 में, सात के एंड में मैंने जब इसको देखा था पिंडी में, तो आई डिसाइडेड कि मुझे आमिर की वजह से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अब उसका टाइम आ गया। बट जब आमिर का 2010 में प्रॉब्लम हुआ तो मैंने रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अब मेरी पाकिस्तान की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, और शायद अफरीदी ने मुझे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की और खिलाता गया मुझे साल डेढ़ साल, और वो शायद की वजह से साल डेढ़ साल मैं खेला। और बट शाहीन अगेन इज़ अ प्रॉस्पेक्ट, ही इज़ अ राइजिंग स्टार, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स कि दिल गुर्दा और फिटनेस ये दोनों आसमान से ऊपर के होंगे, वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग बनेगा दुनिया में। अदरवाइज शुड देयर बी वर्कलोड मैनेजमेंट एज वेल? कौन सी वर्कलोड मैनेजमेंट, क्या लव्स कहाँ से ले आए हो? वर्कलोड खेला क्या है वसीम भाई, वगार भाई, सीजन में जो डोमेस्टिक सीजन काउंटी का और ये मिला के नेट का, मैं तुझे बता देता हूँ, मेरा भी थोड़ा बहुत चलो करो, तकरीबन 300 ओवर कर देते थे। कौन सा वर्कलोड? तुम बड़े हो, वकार यूनिस से बड़े एक बॉलर हो तुम, क्या वसीम अकरम से बड़े बॉलर हो, वो 300-400 ओवर सीजन में करते थे।